सुबह के 7:52 हुए हैं। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूँ। दिन की बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले देखिए 50 बड़ी खबरें संक्षेप में। बिहार के वैशाली में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता मनीष साहनी की हत्या, अज्ञात लोगों ने गोली मारी। मनीष साहनी की हत्या के बाद समर्थकों का प्रदर्शन, थाने में आग लगाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरएलएसपी के 8 कार्यकर्ता घायल हुए, एक घायल की इलाज के दौरान मौत। हालात की गंभीरता को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगाई गई। भीड़ ने एसएसबी के जवान की बस पर हमला किया, कई घायल। तनाव के बाद जंदाहा बाजार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, पटना से रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया। देश भर में बारिश को लेकर 24 घंटे का अलर्ट, 16 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। पूर्वोत्तर राज्य समेत हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भारी बारिश की आशंका। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज स्कूल बंद। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, गलियों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी। हिमाचल के मंडी में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, घरों में घुसा पानी, सड़कों और पार्किंग में खड़ी कार पानियों में डूबी। हिमाचल की राजधानी शिमला में भारी बारिश, शहरों की सड़कों पर नदियों जैसे हालात। शिमला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ के मलबे में दबी कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के ऊना में भारी बारिश से स्वां नदी का जलस्तर बढ़ा, फसलों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में निचले इलाकों में बाढ़ के हालात, 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के अमीरपुर में बारिश की वजह से NH 103 को भारी नुकसान, कई फीट के गहरे गड्ढे हुए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पानी के तेज बहाव में स्कूटी बही, दो युवक तेज धारा में घंटों फंसे रहे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों की जान बचाई गई, नाला पार करने के दौरान हादसा। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश, श्री आनंदपुर साहिब में सड़कों पर पानी भरा। हरियाणा के यमुनानगर में बारिश की वजह से नदियों में उफान, एक कार तिनके की तरह बह गई। कार में सवार पति पत्नी 2 घंटे तक पानी में फंसे रहे, गांव वालों ने किया रेस्क्यू। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के हालात, डीएम ने अलर्ट घोषित किया, निचले इलाकों में पानी भरा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश के बाद स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ा, हाईवे पर पानी जमा होने से ट्रैफिक बाधित। छत्तीसगढ़ के ही जांजगीर चांपा में नदियों का पानी गांव में घुसा, फसलें बर्बाद हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश, कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद स्थानीय नदियां खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में देखने को मिली बड़ी लापरवाही, उफनती नदी को जबरन पार करते दिखे लोग। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नदी का जलस्तर बढ़ने के से करीब 80 मजदूर फंसे, सभी को नाव से निकाला गया। कर्नाटक के चिकमंगलूर में भारी बारिश ने संकट बढ़ाया, कई सड़कें तेज पानी में बही। स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में अलर्ट, रात भर गाड़ियों की चेकिंग करते दिखे पुलिस के जवान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिक्योरिटी अलर्ट, आने जाने वाली गाड़ियों पर रखी जा रही खास नजर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तलाशी अभियान तेज, चेक पोस्ट लगाकर की जा रही है गाड़ियों की चेकिंग। 15 अगस्त से पहले गुजरात के राजकोट में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई, 4 लोग गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फैजाबाद में हथियारों की एग्जीबिशन, डोगरा रेजिमेंट सेंटर के आर्मी ऑफिसर्स ने प्रदर्शनी लगाई। लखनऊ में मुस्लिम बच्चों के लिए तिरंगा पेंटिंग का आयोजन, बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ाना मकसद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में हिंदू जागरण मंच का कैंडल मार्च, सैकड़ों लोग शामिल हुए। जैसलमेर की ऐतिहासिक इमारत को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, सोनार किला तिरंगे में नहाया। 15 अगस्त से बदल जाएगा रेलवे का टाइम टेबल, अधिकतर गाड़ियों के टाइम टेबल में किया गया बदलाव। नई टाइम टेबल को आप IRCTC की वेबसाइट पर देख सकते हैं, 6 ट्रेनों के नंबर भी बदले गए। IRCTC ने यात्रियों को अलर्ट भेजना शुरू किया, नए टाइम्स के बारे में दी गई जानकारी। कई गाड़ियों का स्टॉपेज टाइम भी बदला, पटना कोलकाता राजधानी जैसी ट्रेनें 3 के बजाय अब 2 मिनट रुकेंगी।
लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव साथ कराने को लेकर केंद्र गंभीर, अगले साल लोकसभा के साथ 11 राज्यों के चुनाव कराने की भी तैयारी। इस मुद्दे पर केंद्र बुला सकता है सर्वदलीय बैठक। सूत्रों के मुताबिक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र कर सकता है चर्चा। यंग इंजीनियर मामले में इनकम टैक्स विभाग के फैसले के खिलाफ सोनिया गांधी की याचिका पर आज सुनवाई। टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने का फैसला इसको चुनौती दी। देश के रहने लायक शहरों में पुणे नंबर 1 बना, टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 2 शहर शामिल। नवी मुंबई ने दूसरा और ग्रेटर मुंबई ने तीसरा स्थान बनाया। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सूचना जारी की। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ गोल्डन स्ट्राइक। आजादी की 72वीं सालगिरह पर जी न्यूज की राष्ट्रवादी पेशकश। 1948 में जब ब्रिटेन में भारत ने लिया 200 साल पुरानी गुलामी का बदला। आजादी के एक साल बाद ब्रिटेन में भारत की राष्ट्रवादी क्रांति। 1948 में लंदन के वेम्बले में जब गूंजा वंदे मातरम, आजाद भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल की गौरव गाथा। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा सरकार का फैसला, गांव की पढ़ी लिखी बेटियां फहराएंगी तिरंगा।